अभी जो क्वेश्चन का जो लेवल चल रहा है बिहार बोर्ड में, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना कि बताया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन लेवल के एकदम अंदर से पूछ रहा है, कहाँ लेवल पकड़ रहा है, इतना अंदर से पूछ रहा है, क्या बात, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां तक आदमी सोच भी नहीं करता है, छोड़ो वो सब थोड़े आएगा, उतना छोटा चीज थोड़े आएगा। लेकिन बिहार बोर्ड का स्थिति ये है कि अभी इतना छोटा छोटा चीज पूछ रहा है कि बिल्कुल 10-15 दिन कोई पढ़ ले तो पास मार्क्स जरूर लिया लेगा आराम से, लेकिन पास मार्क्स ला के कुछ नहीं होगा। नॉलेज लीजिएगा तभी कंपटीशन में कहीं कुछ कर पाइएगा। 40-50 नंबर 60 नंबर लाइए कि क्या करिएगा, वो तो एग्जाम में बैठेगा आंख मूंद के, सब में बी मार दीजिएगा तो 20 को सही हो जाएगा, चाहे सी मार दीजिएगा सब में 20 को ऐसे ही सही हो जाएगा, दो चार गो में कुछ भांग भोंग दीजिएगा 50-60 हो जाएगा, तो उससे कुछ नहीं होगा, कॉम्पिटिशन का माहौल है। अब पहल का बात नहीं है कि कोई 40-50 नंबर लाया किसी एग्जाम में बैठा उसका हो गया। पहले का जमाना था कि लोग के पास आईएससी का डिग्री नहीं रहता था, गांव में एक का दुका लोग इंटर करता था, पूछिएगा अपने गार्जियन लोग से, बाबा जी के एज में जो होगा, पापा जी के एज वाला लोग उतना नहीं बताएगा, बाबा जी वाला लोग से वो लोग बताएगा कि रउआ रउआ समय में अपना गांव में कोई आदमी इंटर कर ले रहा है, कहेगा कि वो बेरा बबू हमनी तो 7वें 8वें पढ़ ले रही, एगो रहस हो गाँव के फलानवा भैया वो एगो इंटर कर ले रहस, एगो और रहस हो बी ए कर ले रहस, वो जमाना में बाप रे बाप, ऐसे लोग कहेगा, इक्का दुक्का आदमी भेटाएगा गाँव में। लेकिन अभी मैट्रिक मैट्रिक छोड़िए ना, इंटर इतना भेटाएगा कि दिमाग उधिया जाएगा, ग्रेजुएशन और पीएचडी पीएचडी तक लोग इतना पहुंच जा रहे हैं कुछ कहने लायक नहीं। मैंने हर घर में कम से कम ग्रेजुएशन का माहौल बन गया, हर आदमी ग्रेजुएट है अभी के समय में, हर घर में जो लड़का लड़की है देखने में भले 15 साल का दिखेगा लेकिन वो ग्रेजुएट है, डिग्री है, नॉलेज है चाहे नहीं, उसके पास पूरा तगड़ा डिग्री है, एकदम साफ प्लास्टिक सर्जरी करा के साफ चिकन चिकन करके रखा। भले वो कहिए कि तुम चिट्ठी लिखो अपने पिताजी के पास, 500 रुपया चाहिए, आरिस अग्रवाल का मैथ का किताब खरीदना है, 2 घंटा बैठाइएगा तो पता नहीं वो लिख पाएगा कि नहीं, गारंटी नहीं। एगो एप्लीकेशन लिखो अपने प्रिंसिपल के पास, 5 दिन का छुट्टी चाहिए, 2 घंटे में वो लिख ही पाएगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। लिखवो करेगा तो कितना अशुद्धि लिखेगा बताया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी के समय में जो भी लोग है ना सारा लोग मोबाइल पर विश्वास कर रहा है, कहीं किसी से बात हुआ अपना व्हाट्सएप नंबर थोड़ा दीजिए तो हमको हाय लिख के चैट से मैसेज करता है, किसी टीचर से आपको मुलाकात हुआ फट से व्हाट्सएप नंबर लिखे हाय सर प्रणाम सर का एक फोटो आता है वाला भेज दीजिए, हमको कोई उंगा भेजता है तो हमको लगता है वो ऐसे ही भेज दिया है, फोटो में आदमी थोड़े विश्वास करता है, आप लिख के भेजिएगा तो उसका बात दूसरा है, लिखे मतलब आपको लगता है कि हाँ पूरा बात लिखे हैं अंदर से पूरा श्रद्धा है, फोटो भेज दिए मतलब ऊपर से ऊपरे चल रहा है, आप जैसे भेजे वैसे ही ऑनलाइन हम ही भेज देंगे, बात समझ रहे हैं, ऑनलाइन में मजा नहीं है, वो खाली देखने के लिए है, आप किसी को चाय पिला रहे हैं बैठा के उसमें और चाय का फोटो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए उसमें अंतर है कि नहीं, वही बात है वही चीज होता है, इसलिए पूरा गहराई तक पहुंचे तब ज्यादा मजा आएगा, इसमें आपको पूरा गहराई तक पहुंचना होगा।